कितना क्यूट हो तुम है ना ओ बेबी इसको बोलते हैं जाओ 60 रुपए की बोतल मिली मुझे ओ फक चार दिन Taktsang. फिर से स्वागत है आपका यह है एपिसोड 15 पार्ट 3 हाइक टू टाइगर्स नेस्ट और हम हैं इस वक्त पारो भूटान में ठीक ठाक कम हियर जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ तुझे भूख लगी है इतनी सारी इसके मुंह में से पानी टपक रहा है यार लगता है कि पता नहीं कब से भूखा बैठा था इसको तो ज्यादा देना पड़ेगा खाने के लिए कैसे पानी टपक रहा है लार टपक रही है मुझसे बस पी दो ओह गॉडनेस वन पैकेट इज ओवर क्या मिला अच्छा इधर गिरा हुआ था कच्ची 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 ये कैसे है चिप चिप पूरा पैकेट खा लिया मैंने इसको ये लो इधर है इधर ऊपर देखो ऊपर भाई साहब कितना क्यूट है एक एक खाता है बस गुड बॉय और नहीं है गुड बॉय कितना क्यूट हो तुम है ना ओ बेबी बस बैठो ओके और चाहिए तुमको भूख लगी है देखो कैसे मुंह पे जी फेर रहा है जब कोई डॉग ऐसे करे ना उसका मतलब उसको और खाने को चाहिए भूख लगी है उसे वापस आएंगे ना खरीद के देंगे तुमको ओके अभी तो इतना ही था मेरे पास बाय डॉग की भूख मिटाने के बाद अब मुझे भी भूख लगी है तो मेरे पास खाने के लिए है ये इसको बोलते हैं जाओ 60 रुपए की बोतल मिली मुझे और ये बहुत कॉमन बिकती है यहाँ हर शॉप पे आपको फ्रिज के अंदर ऐसी कुछ बोतल भरी हुई दिखेंगी पहली बार सिप कर रहा हूँ देखता हूँ कैसा है वैसा मीठी लस्सी मीठी मतलब चीनी वाली मीठी नहीं गांव में जो मट्ठा बनता है ना ताजा जो होता है खट्टा नहीं होता शुरू में लस्सी नहीं कहते उसको मट्ठा कहते हैं क्योंकि पूरा मक्खन उसमें से निकल जाता है जो रह जाता है वो है तो ये वैसा ही है 60 रुपए में एक लीटर आने वाले मुसाफिर जाते हुए का हौसला अफजाई करते हुए पहले जहाँ भी मैं खड़ा हूँ वहाँ से सिंपल रास्ता इधर से जा रहा है और एक ये है मैंने एक गाइड को एक फोनर को उधर से ले जाते हुए देखा तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी शॉर्टकट मार के देखता हूँ एक बात तो पक्की है दोस्तों
कोई खास मुश्किल ट्रैक नहीं है, आराम से चलो। मतलब 3.5 किलोमीटर में कोई कितना थक सकता है, सीधे सीधा शॉर्टकट यहाँ के नॉर्मल पैसेज में कनेक्ट हो गया, तो भाई साहब मेरे को यहाँ पे मिलेंगे। ये जो अभी सूखे हुए पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, ये पूरे के पूरे पेड़ हैं, इनका स्टेम है, लीव्स है, और ये एक पेड़ के ऊपर है। ये जो एक खास तरह का बेल यहाँ पर उगा है, जब ये सूख जाता है तो एक बेस का काम करता है, फिर बीज इसमें आके गिरते हैं और वो बीज फिर उगते हैं। ये अभी सूखे इसलिए शायद सीजन अब आने वाला है, क्योंकि अभी अभी बर्फ़ ख़त्म हुई है यहाँ से, कुछ दिन पहले तक इस ट्रैक पे बर्फ़ थी। कुदरत का करिश्मा है दोस्तों। ये ऐसा लगता है जैसे रेप्लिका है किसी जॉन्ग का या मोनेस्ट्री का, और इस जगह को इस तरह से सजाया गया है, ये दिखाने की कोशिश की गई है। ये पिलर पहाड़ की हाइट दिखाता है, नीचे एक बेस है, बेस के ऊपर खिड़कियां बनाई गई हैं, खिड़की के ऊपर जो छत होती है ट्रेडिशनल, वो छत दिखाई गई है। और अब रास्ता एकदम प्लेन है और हम बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मंजिल अब दूर नहीं। देखिए किस तरह से हम आने जाने वाले लोगों को हेलो और बाय बाय कहते हुए पहुंच रहे हैं अपने पहले पड़ाव की तरफ। कुदरत का करिश्मा देखिए कि मौसम ने किस तरह से हमारा स्वागत किया, हल्की हल्की क्रिस्टल की बरसात के साथ मौसम एकदम से ठंडा हो गया। खूबसूरत मौसम, सुहाना, और इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता था इस तरह का वेलकम। देखिए यहाँ वो जगह जहाँ लोग फोटो क्लिक करते हैं खड़े होकर के, जितने भी फोटोग्राफ्स आपने तक्सिंग की देखी है जिसमें कोई पर्सन है और बैकग्राउंड में तक्सिंग है, वो इसी जगह की है। पिघल जाता है, कुछ देर के लिए सही, पर मौसम ने रंगत ला दी मैन। करीब 100 मीटर आगे बढ़ के जैसे आप लेफ्ट टर्न लेंगे तो आएगा दूसरा सेल्फी पॉइंट, ये भी बहुत पॉपुलर है। बैकग्राउंड में यह टैक्सिंग यानी टाइगर नेस्ट और क्लियर नज़र आता है। एपिसोड 13 पार्ट 1 में जो मैंने आपको बताया था अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग के बारे में, सामने रेड कलर के बोर्ड पर वही चीज़ लिखी है। जब मैं यहाँ खड़ा होकर अपने लिए एक फ़ोटो क्लिक कर रहा था तब ये मोहतरमा जो अगले क्लिप में आपको दिखेंगी दोनों जापान से हैं, ये मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि क्या हम आपके साथ एक फ़ोटो ले सकते हैं, और मैंने कहा व्हाई नॉट। तो उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो क्लिक की, और जब मैंने कहा कि क्या फ़ोटो मुझे मिलेगी तो जवाब कुछ इस तरह से आया। Hey, from Japan. Will you send this picture? Then good. Shall I give you the details? Number? Where will you send? Email ID? She cannot send. मैं अभी तक हैरान हूँ कि फोटो मेरे साथ ही क्यों क्लिक की गई। चलिए जो भी वजह है आप एंजॉय करिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सेल्फीज हैं, यही वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा फोटो क्लिक होती है। यहाँ से सीढ़ियों से आप जाएंगे नीचे, और ये यहाँ से होते हुए वो जो पानी बह रहा है झरना है वहाँ पर, वहाँ से राइट टर्न लेंगे और फिर से स्टेयर्स क्लाइंब करते हुए आप पहुँचेंगे टैक्सिंग यानी टाइगर नेस्ट। पर मेरे लिए तो एक और दोस्त इंतजार कर रहा था, ये देखिए। सारे यहाँ से खा सकते हैं, खिलाने वाला चाहिए। वो सिटी में जो है ना, वो मेरे को तो वहाँ भी हाथ से खाते हैं। One more. Yeah. इसको भूख लगी है यार, ये भी वैसे ही है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। एपिसोड 15 के बाद 16 आने वाला है, तो तैयार रहिएगा, मिलते हैं जल्दी ही।